नमस्कार, मैं अंकुश और आज फैक्टाई के चैनल के द्वारा हम आपके बीच फिर से चले हैं डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल गेट के बाहर ही हैं, जहां पर हम आने जाने वाले लोगों से लगातार पूछ रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा में आज भी करोड़ों लोग आते हैं, जो आज भी लोग यूं डेरा की तरफ खींचे आते हैं। तो जानते हैं इन्हीं महिला से कि ये यहाँ किस लिए आई हैं। मैम, आपका नाम? परवीन रानी। आप डेरा सच्चा सौदा में अभी ऐसे ही घूमने आए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं? पहले से जुड़े हैं। मैम, कितना टाइम हो गया होगा आपको डेरा? 35 साल। 35 साल कुछ कम नहीं होते अनुभव लेने के लिए, अनुभव तो एक साल में भी आ जाता है। इन 35 सालों में आपने कभी डेरा में कुछ गलत होते देखा? नहीं, कुछ गलत है नहीं देखा, आज तक शाही देखी है। मैम, किस तरह का माहौल होता है डेरा के अंदर? डेरे के अंदर तो प्रेम प्यार की भावना सिखाई जाती है, नाम शुरू दिया जाता है सबको, प्रेम सब दिन करो सही लाइन पे लाया जाता है जी। मालिक इसे ही चाहते हैं कि बस प्रेम भावना ही जग जाए, सीधे राधे लेना सचखंड बजाना एक मालिक का एक सही नज़रिया बन चुका है, अपने वास्ते ही मालिक का रूप है, मालिक ही है दरबार में। तो मैम, वैसे मालिक के दर्शन करने आते हैं जी। तो मैम, आपका जीवन कैसे बदला है गुरुजी ने, अगर हम आपसे ही पूछे तो? हम तो शुरू से ही अंदर भावना ही, बस नाम सब जब से लिया है तो भावना जागती ही गई, बस मालिक ही साढ़े सब कुछ है, मालिक सब कुछ करन कराने वाला है, एक ऊपर वाले दे हाथ छोड़ा है, सब कुछ मालिक ही करता है। तो क्या सिखाते हैं आपके गुरुजी सबको? सब यही कहते हैं कि नाम शब्द लो, प्रेम भावना ना रहो, और जो भी करते हैं मालिक सभी ठीक ठाक करते हैं जी। आपके गुरुजी ने सुना है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, उनके विकास के लिए, कोई एग्जांपल देंगे हमें कि किस तरीके से उन्होंने महिला के विकास में हाथ बढ़ाया? उन्होंने मतलब के पिताजी गुरु जी ने यह कहा कि असी बेटियां नू अगे बढ़ाना, पढ़ाना भी है, अगे भी बुलाना है, विशा वर्दी वाली जो वर्दियाँ विशा के रूप से आ रही हैं, उन्होंने बच्चियों को शादी भी करवाई है, कुल कराउन जिन्होंने मतलब बेटे नहीं है तो बच्चियाँ है, उन्होंने कुल कराउन बना के शादी भी करवाई है, आपके मतलब मापे दिन घर ही रह रही हैं बच्चियाँ, अगे इस तरह करके मतलब सब समाज की सेवा ही करी है, हमें भी सिखाया है कि सेवा करो जी। क्या बात है, मतलब गुरुजी वैश्यावृत्ति में लिप्त जो लड़कियां हैं उनको भी यहाँ पर लाकर इलाज करवाकर उनकी शादी करवाते हैं, काबिले तारीफ है आपके गुरुजी। मैम, किस तरीके का प्रभाव पड़ा है उनके समाज में होने से? अच्छा ही पड़ा है हमारे ऊपर, तो जो सत्संग दी जहाँ जुड़ी है दरबार दे ना, मतलब सारे नू जी मतलब शिक्षा ही देते रहते हैं, बेटा इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना, भी सही रास्ते चल लो, मतलब के जो सत्तरकारियां अगर चलाए है मतलब कि ये आगे सेवा करते ही जाना है, पीछे नहीं हटना, पैर अगे नू बधा के पीछे करना नहीं, अगे ही बढ़ते जाओ, प्रेम भावना नी संगत जोड़ो ते नाम शब्द लो ते अगे प्रेरित करदे रहो जी। तो मैम, जैसा कि ना हमने सुना है कि डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमें तो यही लगेगा भी सुरक्षित है, अभी अब भी सुरक्षित है, पहले भी सुरक्षित सी, अभी तक भी सुरक्षित ही चल रही हैं जी। सत्संग आओ सुनो, सत्संग का ही फल डेरे च लैके जाओ, जिन्ना चिर नाम शब्द आपके अंदर नहीं जाएगा, नाम शब्द नहीं जपोगे तो गलत अफवाहें लोग उड़ाई जाए तो उन्हें असर ना करो, असर करोगे तो आपके परिवार पऊगा ही पऊगा, उन्होंने सत्संग में जाके तो सुन के दरबार चो अगा अगे ही प्रेरणा दो कि नाम शब्द ना जुड़न, डेरे चाहन, देख की माहौल है की नहीं, जावे तो फिर सिला तो पता लगेगा अपने पास सर कुछ सही है। तो आज गुरुजी समाज में एक्टिव नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है समाज में? नहीं जी, हमारे तो गुरुजी अपने अंदर ही है, जो भावना है कि अंदर ही है वो सुरक्षा वास्ते ही गए, अपनी भावना सोच सही है जी, गुरुजी भी सही है। मैम, जैसा कि हम लगातार लोगों से और लोगों से भी बातचीत करते हैं तो लोगों का कहना है कि आज बाबा नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा बुराइयाँ बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा नशा बढ़ गया है, अगर बाबा होते तो ये कर देते, बाबा होते तो वो कर देते। बाबा तो हम भी यही कहते हैं कि बाबा जी हम दरबार में ही है, दर्शन करते हैं, असं जाने बैठते हैं, जो अंदरों दर्शन हो गए तो समझ लो दरबार के अंदर ही है जी। मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी भावना उनसे जुड़ी है, कि ये अभी भी इनका मानना है कि गुरुजी इनके यहीं पर हैं, बट कहीं ना कहीं कमी तो महसूस होती होगी कि आज गुरुजी होते तो शायद ये जो बुराइयां छुड़ाने का कारवाई है बहुत ज़्यादा बढ़ता। गुरुजी तो 2 लाख संगत आती थी, नाम शाम देते थे, बुराइयां छुट जाती थी, मतलब कि जर्दा वगैरह जो लाते थे सर नशा छुड़ा देंगे। इनका कहना है कि गुरुजी 1 घंटे के अंदर 2 लाख लोगों का नशा बिना किसी दवाई के, बिना किसी के पैसे के छुड़ा देते थे, तो 1 घंटे में जो व्यक्ति 2 लाख लोगों का नशा छुड़ा सकता है वो 1 महीने में ना जाने कितने लाखों लोगों का नशा छुड़ा सकता था,
शायद कहीं ना कहीं इसकी यही वजह है कि कुछ लोगों का कहना है कि ड्रग माफिया की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि इन्हीं के गुरुजी ऐसे थे जो समाज में नशे के खिलाफ सबसे बड़ा बोलबाला और एक बीड़ा उठाए हुए थे कि हमें समाज को नशा मुक्त बनाना है। तो मैम सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही कहेंगे कि बेटा भी मतलब के सरकार से भी गुरु जी को वापस लेंदा जाए, सारी संगत खोज हो जाए, जो नाम शब्द लेने का सिर्फ दर्शन कर सके तन तन सतगुरु रहे। तो हमारी लगातार कोशिश है आपके सामने डेरा सच्चा सौदा का सच लाने की कि आखिर क्या है, बाबा के पीछे कोई साजिश है या सच में कुछ ऐसा छुपा है जो हमारी नज़रों से परे है। इसी को जानने के लिए हम और लोगों के पास पहुँचते हैं और आपको डायरेक्ट बातचीत का लाइव हमें आपको देंगे। धन्यवाद।